ये क्या हो रहा है? बहुत शर्मनाक की बात है। मेरा अभी तक एक भी दांत नहीं गिरा और हर किसी लल्लू के दांत गिर रहे हैं, हर किसी के। सच में मार्गरेट, अक्रू राल्फ, सुंदर ग्रेंडा, तेज बखेल, रोटलू विलियम, सुरेली सुरैया और यहाँ तक की म्याओ म्याओ भी। हाँ, और अब पीटर का भी। लोग क्या कहेंगे? हेनरी, बताओ मेरा दांत तुम्हें कैसा लगता है? एकदम सड़ा हुआ। क्या लगता है तुम्हें, इस दांत के लिए मुझे 10 रुपए मिलेंगे? तुझे चाहिए तो मैं और पैसे दिलवा सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, पर तुम मेरे इस दांत के साथ एक फोटो निकाल सकते हो, फिर मैं एक फोटो मॉम को, एक डैड को और एक फोटो अपने सभी दोस्तों को दूंगा। अरे दिमाग घूम गया है क्या? ये क्या बदतमीजी है, तुम एक फोटो नहीं ले सकते हो इसकी? थैंक यू मामा, फिर मैं अपने दांत को एनवेलप में रख के अपने तकिए के नीचे रखूंगा। ओह, मैं तैयार नहीं था। बड़ा आया। एक ना एक दांत तो गिरना ही चाहिए। गिर जा, गिर जा। अबे गिर, चिपको गई के हिल तो सही। ऐसे चिपके हैं सबके सब जैसे गोंद से चिपके हो। बेटा हैंडी, चॉकलेट खाने से दांत गिरते हैं। दांत है कि कोई सीमेंट की दीवार। क्यों, तुझे तो चिपकू टॉफी पसंद नहीं है ना? हाँ, क्योंकि ये मेरे दांत में चिपकती है और मेरे दांत इस चॉकलेट में चिपकेंगे। दुश्म, समझ गया। दांत नहीं चिपक रहे हैं क्या? मेरा मुंह ही चिपक गया। कुछ कर। क्या? मैं कुछ करूं? अभी आया। क्या? ठीक है, रुक। एक, दो, तीन। अब तक नहीं हिला। मोटे मेरी जान, मुझे तो पसंद नहीं है। वो मेरी ही टॉफी है, मैंने ही तेरे सिर पर दे मारी है। आ तोड़ मेरे दांत, सच में। ऐसा क्यों? अबे क्यों, काम मत सोच, बस मार, ज्यादा सोच मत। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों के बच्चे, मार बोला ना, उठा तेरा हाथ, दे एक मुक्का मेरे मुंह पर और तोड़ दे मेरे दांत, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तेरी कसम। ऐसा क्यों? काम बना कि नहीं है? नहीं। एक लात मारूं? एक गिरा हुआ दांत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुरू होता है मिशन दांत गायब। हेनरी, क्या चल रहा है ये सब? क्या कुछ कुछ नहीं, मुझे लगा पीटर सपने में हैंडी हैंडी चला रहा था, इसलिए देखने चला गया। मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई है वो। हाँ ठीक है, तो तुम अब अपने कमरे में जाओ तुरंत और सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। अब कल सुबह पैसे मुझे मिलेंगे। कहाँ है मेरे पैसे? मामा, डैड, हेनरी, मुझे एक दांत के बदले 10 रुपए मिले हैं। क्या, 10 रुपए? पर दांत तो मैंने रखा था, ये नहीं हो सकता। It's so easy being me. I'm hard, Henry.
ठीक है, सब तैयार है? क्लब बोर्ड ले आओ। ये तो मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आया। टेक वन। ओके, थैंक यू एंड्रू। तुम अब हट सकते हो एंड्रू। जरूर। और एक्शन। हेनरी। हाँ बोलो, क्या हुआ एल? शायद हम सब ठीक से दिखेंगे नहीं। ऑफ कोर्स हम ठीक से नहीं दिखेंगे एल, क्योंकि कैमरा के सामने पेपर रखा है। पर तुमने कैमरा के सामने पेपर क्यों रखा है हेनरी? ये एक स्पेशल इफेक्ट के लिए है, इससे हमारा वीडियो और अच्छा बनेगा, समझे क्या तुम? जरा तुम बताओगे हेनरी कि ये कैसे होगा? कुछ नहीं दिखेगा हेनरी। चलो वीडियो शूट करते हैं। हाँ, मुझे जाना होगा। टेक टू। वन टू थ्री फोर। ओ, अब क्या हुआ राल्फ? क्या इस गाने का नाम है? हाँ हाँ, नाम है ना, इसका नाम है गाना। गाना? क्या ये गाने का नाम है हेनरी? इसका नाम है गाना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स ये ठीक लग रहा है राल्फ। नहीं लग रहा है, अच्छा नाम होना चाहिए, जैसे कि थ्रैश हॉर्नेट्स या फिर एग्स ऑन द ब्रेन। हाँ, पीज इन अ पॉड। हाँ, पीज इन अ पॉड, बहुत ही अच्छा नाम है। ये भी तो है गाना, एक कमाल का गाना। हाँ, पर एक अच्छा नाम देना होगा। अच्छा नाम तो दिया है, नाम है गाना। सही कह रहा है ये। मामा ने कहा कि मैं वीडियो में रह सकता हूँ। ऐसा कहा क्या? हाँ, और तुमने गंदे बच्चे चले जाओ कहा, तो फिर वो यहाँ आएंगी और सबको घर भेज देंगी और फिर कोई वीडियो नहीं बनेगा, समझे तुम हेनरी? सच्ची? हाँ। तुम मेरे वीडियो में रह सकते हो। रूतलू गंदा बच्चा। तुम क्लब बॉय हो। और मैं? अरे वाह, मैं बेस्ट क्लब बोर्ड बॉय बनूंगा, देखना तुम हेनरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेवकूफ बच्चा एंड्रू, इस चमचे को, मेरा मतलब पीटर को क्लब बोर्ड दे दो। पर मैं? पर वर कुछ नहीं, क्लब बोर्ड प्लीज। यानी अब मैं वीडियो में नहीं हूँ। सभी वीडियो में क्यों आना चाहते हैं, क्यों? ये लो, तुम अब से स्पेशल इफेक्ट पकड़ोगे। तो गाना, टेक थ्री, एक्शन। तुम्हें क्या चाहिए पागल लड़की? तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो, है ना हेनरी? नहीं, अब यहाँ से चली जाओ चिपकली। बर्ट, क्या तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो? ऐसा क्यों? सुना, उसने कहा नहीं। उसने कहा पता नहीं, इसका मतलब है हाँ। पर मैंने कहा नहीं, तो उसका मतलब है नहीं। तुम ये नहीं कर सकते हेनरी, अगर तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो तो मैं उसमें रहूंगी, समझ गए हेनरी? तो हम कहाँ थे? गाना, टेक फोर, एक्शन। उसने मुझसे ऐसा कहा, फिर मैंने उसको जवाब दिया और फिर। पहले अंदर आ जाओ बेटी। हेनरी। क्या? मार्गरेट आई है और वो गुस्से में लग रही है। तो क्या? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। और तुम अंधेरे में क्यों खेल रहे हो? तो हेनरी, अंधेरे में क्या कर रहे हो? क्योंकि हम तुमसे बचने की कोशिश कर रहे थे। उप्स, सॉरी हेनरी। मैं तुम्हारे म्यूजिक वीडियो में जरूर रहूंगी हेनरी, तुम मानो या ना मानो। आओ ये रोना धोना बंद करो। लो ये लो। टेक फाइव। हाँ? तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो बेटा? कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं भी रह सकती हूँ? फ्लफी वफी भी इस वीडियो में आना चाहती है, क्यों, है ना फ्लफी वफी? ठीक है, तुम सब मेरे म्यूजिक वीडियो में रह सकते। So
अरे वाह, अच्छा हुआ आ गए तुम हेनरी। हे मॉम, क्या इस वक्त तुम कुछ खास करने जा रहे हो? फैंक को वॉक करने ले जा रहा हूँ। सचमुच? हाँ, फैंक को एक्सरसाइज जरूरी है ना। फैंक की बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतें नहीं समझ आ रही। मुझे लेकर? हाँ, तुम तो कभी टहलने नहीं जाते थे। सॉरी, मुझे जाना होगा। ओए पागल, ये उस घोंचू को दे देना। ध्यान से सड़ेली, मुझे लग जाता। तो वैसे ये है क्या? ये पेट शो का शेड्यूल है। ओ, उस कीड़े ने इस बारे में बताया था। ऐसा लग रहा है जैसे वो जीत जाएगा। उसे ऐसा लगता है? हाँ। और तुम तो वहाँ आने नहीं वाले हो, है ना? कोई सवाल, हम तो उस गली से गुजरेंगे भी नहीं, है ना फैंक? वैसे अगर तुम अपना फैसला बदलो तो मुझे बता देना। क्यों? क्योंकि सुपर पालतू का इनाम मेरे डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं। और मुझे इसमें क्या मिलने वाला है? मैं तो बस तुम्हें जानकारी दे रही थी हेनरी, अगर तुम अपना फैसला बदलो तो। हम नहीं बदलेंगे, आने वाले हजारों लाखों साल में नहीं बदलेंगे, चाहे तुम भीख मांग लो। चलो फैंग, हमारे पास सड़ेली से बात करने का वक्त नहीं। एक पेट शो में किसको जाना है, है ना? भैया, वो बहुत ही पागल बंदी होगी। मतलब सभी जानवर एक दूसरे के पीछे प्रदर्शन करे। इतनी बेवकूफी। और पूरा दिन वेस्ट करने के बाद क्या मिलेगा? नहीं 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 फैंग, अब ये मत कहो तुम्हें इस प्रतियोगिता में शामिल होना है। अच्छा बताओ, कितना देना पड़ेगा? क्या कितना देना पड़ेगा? मुझे ये बताने के लिए सुपर पालतू प्रतियोगिता फैंग ही जीते, इसके लिए कितना देना पड़ेगा? ओह, क्या तुम उस सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहे हो जिसमें तुम हजारों सालों तक इंटरेस्ट नहीं लेने वाले थे, चाहे मैं तुमसे भीख मांगूं? हाँ। मैंने तुम्हें सुना नहीं हेनरी, तुमने मुझसे क्या कहा? मैंने कहा हाँ। हाँ क्या? हाँ, मैं उसी सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं हजारों लाखों साल तक कभी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अब जरा मुझे सोचने दो कि क्या मेरे पास एक सन के दिमाग से बात करने के अलावा कुछ अच्छा करने को है या नहीं। चलो भी मार्गरेट, बकवास बंद करो। अरे मुझे इन सब बातों में मजा आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे ग्रॉस क्लास जीरो कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन देना होगा। ओके। और वो तुम्हारे घिनौने नोज पिकर जो तुमने किले के पीछे छुपा रखे हैं। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? किसी को उसके बारे में नहीं पता, केवल तुम्हारे अलावा। ये अच्छी बात नहीं। ठीक है फिर, अगर तुम नहीं जीतना चाहते हो तो। ठीक है, ये डील रही, लेकिन उसे जीतना ही होगा। मैं उसे नहीं जीता सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें जीतने का मंत्र बता सकती हूँ। दोनों एक ही बात है, है ना? अच्छे से धोकर सुखाना होगा। हाँ भैया। ये बहुत बढ़िया फैंग। चलो फैंग, तुम्हें ठंड लगने से पहले सुखा दूं। हाँ भैया। मैंने स्लफी को सुखाने के लिए मॉम का हेयर ड्रायर यूज किया था। सच्ची? ठीक है, थैंक्स। हेयर ड्रायर। मॉम ने अपना हेयर ड्रायर कहा? So easy being me, I'm Harlan Henry. रूर राज के पापा को देख लो।
तंदुरुस्त आय के पापा परफेक्ट है। एक्सरसाइज तो परफेक्ट नहीं पर आय को पसंद है। मोटे बर्ड के पापा परफेक्ट है, उसे स्कूल तक लिफ्ट तो मिलती है। और निक के पेरेंट्स काफी कूल है। वाओ हेनरी, वेलकम। पर वो थोड़े अजीब है, इतने भी परफेक्ट नहीं, भले वो हमें देर तक जागने और कुछ भी खाने देते हैं। शायद बेवकूफ मार्गरेट के पेरेंट्स को हम परफेक्ट कह सकते हैं। उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, पर कभी कभी ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, सिर्फ ये डॉगी नहीं लाते तो बेहतर होता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने अभी अभी देखा कि परफेक्ट पेरेंट्स असल में कैसे होते हैं। अब ये सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स कितने परफेक्ट हो सकते हैं। ये शो परफेक्ट चमचों के बारे में नहीं बल्कि परफेक्ट पेरेंट्स के बारे में है। हेनरी, कैसे हो तुम? हेलो मैम। आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा रहा? खास नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम स्कूल से आते वक्त रास्ते में भीग तो नहीं गए ना बेटा? बर्ड के पापा ने मुझे लिफ्ट दे दी। ओह, कितने अच्छे इंसान है। तो हेनरी, चाय के साथ क्या खाओगे? सैलेड नहीं प्लीज। अरे बिल्कुल नहीं हेनरी, मुझे पता है तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं है। तुम्हारा भाई लगता है अच्छे मूड में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। फिक्र मत करो हेनरी, तुम्हारे आने से पहले ही मैं उसे चुप करा दूंगी। क्या मैं ग्रॉस क्लास ब्रेकआउट देख सकता हूँ? और तुम्हारा होमवर्क? थोड़ा ही है। तो ठीक है, तुम्हारे पापा आकर तुम्हारा होमवर्क कर देंगे बेटा। देखा, परफेक्ट पेरेंट। तो देखते हैं ग्रॉस क्लास जीरो। लो बेटा खा लो हेनरी। डैड, क्या ये गाजर है? एक बार ट्राई तो करो। वाह, ये तो चिप्स है। सही कहा, मम्मी मजाक के मूड में थी। केचप है? डंटनन, केचप कैसे भूल सकता हूँ। कितना यम्मी है। मजेदार है। गिर गया, क्या करूं? तो आपको टाई मिली गई? मुझे टाइस पसंद है, खास कर ये वाली। ये तो मस्त है बहुत। चलो देखते हैं ग्रोस क्लास में क्या हो रहा है। परफेक्ट। पापा, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। बहुत नींद आ रही है। ग्रोस क्लास ब्रेकआउट के अगले एपिसोड के बाद तो इसकी जरूरत होगी। थैंक्स मम्मी। चलो पापा, मैं आपको आपके रूम तक ले जाती हूँ। ओके, क्या उसके बाद वाला एपिसोड भी देख लूँ? जैसा तुम चाहो हेनरी, तुम डिस्टर्ब ना हो इसलिए दरवाजा बंद कर देती हूँ। परफेक्ट पसंद आया, बहुत पसंद आया। अब सोने का वक्त हो।